दोस्तों हम खड़े हैं विस्को रिसोर्ट्स मंडी में और ये एक प्योर वेज जॉइंट है, एक रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट में बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आकर रुकते हैं, अमिताभ बच्चन वगैरह सब यहाँ आकर रुकते हैं। यहाँ पर एक मंडी की धाम मिलती है, मंडियाली धाम। मैंने आपको चंबियाली धाम, भरमौरी धाम का आस्वादन कराया है, दिखाया है, और ये है मंडियाली धाम। तो आज हम यहाँ मंडियाली धाम खाने आए हैं और ये मंडी का खास फूड है जो कि शादी में, शादी ब्याह के मौक़ों पे, ख़ास अवसरों पे परोसा जाता है। तो आइए हम इस विस्को रिसोर्ट में मज़ा लेते हैं मंडियाली धाम का। क्या क्या है सर? ये बेदाने का मीठा, ये भी दाल का होता है। अच्छा अच्छा। ये काली वाली दाल की होती है ना सर जी, उसको बोलते हैं सेव पकौड़ी, माँ की दाल। माँ की दाल। हाँ। और ये कद्दू का खट्टा सर। कद्दू का? हाँ जी, खट्टा 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 है। हाँ जी। और ये सर अपना राजमा का दम और माँ की दाल और झोल सर। तो खाना इधर से शुरू करना? हाँ जी, हाँ जी, इधर से सर। अच्छा, ये ऑर्डर है जी। जी जी, ये हमारे कल्चर में सर होती है, सी मंडी में हमारा कल्चर होएगा ना सर, तो ये खाना बनेगा बनेगा हमारा ये। हाँ जी, शादियों में बनेगा सर। मित्रों, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पयामि कहते हुए हम इस प्रसाद का आस्वादन करते हैं। और ये सबसे पहले बधाने का मीठा। तो आप हिमाचल की किसी भी धाम में चले जाएं, इसमें एक क्रम होता है परोसे जाने का, और ये था बधाने का मीठा जो कि मूंग और माह की दाल के पेस्ट से बनता है और धाम एक क्रम में ही परोसी जाती है। तो यह है सबसे पहली कटोरी जो कि बधाने का मीठा है जो कि मूंग और माह की दाल से बनता है। और उसके बाद ये सिप्पी बड़ी जो कि काली दाल से बनी हुई है। ये कद्दू का खट्टा है जो कि कद्दू का खट्टा होता है। राजमे का दम और इसके बाद माह की दाल। माँ की दाल के बाद आता है कढ़ी का नंबर। और यहाँ कढ़ी को खट्टे में नहीं गिना जाता, खट्टा अलग से बनता है और बासमती चावल। और बहुत ही सुंदर ये थाली। तो हमने बधाने के मीठे का स्वाद लिया और अब इसके बाद अगला आइटम आता है इस थाली में जो कि आप गैस करें। तो बधाने का मीठा के बाद क्रम आता है सिप्पी बड़ी का जो कि काली दाल की बड़ी होती है, बड़ी की सब्जी होती है। और बहुत ही स्वादिष्ट सिप्पी की बड़ी लगी हमें ये। तो हिमाचली खाने में खट्टे का जो है वो भी एक विशेष महत्व है। कढ़ी के अतिरिक्त ये खट्टा होता है और इसे खटाई से बनाया जाता है। तो कद्दू का खट्टा आपने खाया, इसके बाद अनुक्रम में राजमे का दम है और उसके बाद माह की दाल और उसके बाद कढ़ी का नंबर आता है। तो ये थोड़ा सा हमने राजमे का दम लिया स्वाद में। तो हम भी उसी क्रम में इस धाम का आनंद ले रहे हैं मित्रों, जिस क्रम में ये परोसी जाती है। और आप जी भर के खाते हैं, शादी का विशेष भोजन होता है धाम, या किसी भी शुभ कार्यक्रम में धाम परोसी जाती है। और इस धाम की खासियत ये है मंडियाली धाम की कि इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। और ये थी माह की दाल। तो माँ की दाल जो है ये नंबर 4 पर आती है, माफ करें नंबर 5 पर, और नंबर 6 पर आपके लिए आते हैं कढ़ी। तो आप देखें कितनी सुंदर थाली है ये और बहुत ही स्वादिष्ट खाना। और ये धाम है, जल्दी मैं आपके लिए चंबियाली धाम लेकर आऊँगा, भरमौरी धाम भी मैंने कवर कर लिया है, बहुत जल्दी ये सारी धाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों आनंद करते रहें, मंजवाए करते रहें और परंपरा रीति रिवाजों को बचाते रहें। मित्रों, जब कभी भी आप चंडीगढ़ से मनाली का सफ़र करें और मंडी से गुजरें तो मंडी से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले इस विस्को रिजॉर्ट को खोज लें, दाहिने हाथ पर आपको मिलेगा, गूगल पर भी सर्च कर लें और यहां पर आकर आप इस धाम का आनंद लें। बहुत ही आपको आनंद आएगा स्वादिष्ट मंडियाली भोजन में।
और अपने कल्चर में, कल्चर की जड़ों को, अपनी संस्कृति की जड़ों को खोजते रहिए। दोस्तों नमस्कार, और बिट्स और पैटीज में आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।